हाँ काका, आपके नंबर पे एक OTP आया होगा, वो OTP मुझे दे दीजिए, ये गलत पार्सल आपको वापस हो जाएगा। एक मिनट। और लिखो। हाँ। 499। थैंक यू काका, हो गया। एक और बकरा फंसा। हेलो या मैन, मैं टैटू किंग टॉक कर रहा है, क्या मेरी बात बब्बन से हो सकती है क्या? टैटू किंग? अरे हाँ किंग बोलो। अरे भाई तुम्हारा बनाया टैटू तो लोगों को बहुत पसंद आया, फैन हो गए हैं लोग तुम्हारे। थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच। अच्छा आप इधर स्टूडियो पे आ सकते हैं क्या अभी? पर क्यों? वो क्या है मैन, हमने जो डिजाइन का टैटू तुम्हारे बॉडी पे बनाया है ना, वो डिजाइन को टैटू कॉम्पिटिशन में प्राइज मिला है। क्या? या मैन, और वो प्राइज लेने के लिए तुम्हारी गर्दन के पीछे जो टैटू बनाया है ना, उसके साथ सेल्फी लेके उनको मैं भेजेगा, तो उसके बाद वो लोग हमको हमारा प्राइज देगा। अच्छा और प्राइज में क्या मिला है? 1 lakh rupees इन कैश मैन। 1 lakh rupees? अरे वाह। लिसन प्लीज कम यार, और वो टैटू के साथ मेरे को एक बस सेल्फी लेने दो ना, अभी आ जाओ यार तुम प्लीज मैन। एक मिनट, मैं अगर अभी उधर आया तो वो 1 lakh rupees तुम्हें मिलेगा, मेरा क्या? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। प्लीज कम मैन। नहीं, एक काम कर देना, 1 lakh में से 50% तुम्हारा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए 50,000 rupees, मैं नहीं आऊंगा, मुझे बहुत काम है। पूरा 1 lakh को कहाँ अपनी जेब से देना है, बोलो ना भाई, बोलने में क्या जाता है। हाँ तो एक काम करो मैन, पूरा 1 lakh तुम रख लो। 1 lakh rupees मैं रख लूं? एक मिनट, 1 lakh rupees अगर मैं रख लूंगा तो तुम्हारा क्या फायदा? फायदा है मैन, देखो हम वो टैटू का सेल्फी भेजेगा तो नाम होएगा मेरा, फेम मिलेगा ना, एंड फेम मींस मनी मैन, फिर कितना सारा लोग आएगा मैन मेरे पास टैटू बनवाने, समझो तुम यार। प्लीज मैन, अभी अपना फ्रेंडशिप जैसा हो गया मैन, चाहिए तो इन फ्यूचर सारा टैटू तुम्हारा फ्री में बना देगा मैन। अभी ज्यादा सोचो मत मैन, फटाफट आ जाओ यार मेरे शॉप पे। हाँ ठीक है, आता हूँ। पर हाँ, वो 1 lakh rupees मुझे आज के आज चाहिए, कैश इन हैंड। हाँ हाँ डन, तुम बस तुम्हारे टैटू के साथ सेल्फी लेने दो, हम तुमको फटाफट 1 lakh rupees इन कैश दे देगा, लेकिन जल्दी आओ मैं। हाँ ठीक है, आता हूँ 1 घंटे में। थैंक यू मैन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देवा कैसे भी करके आज 27 तारीख को उस डिलीवरी बॉय को पकड़वा दो और मेरी आई के पैसे दिलवा दो। फंस गया, हमारी जाल में फंस गया। ओए कुवारी, उस डिलीवरी बॉय को आने दो, वो ऐसा दबोचूंगा ना कि छटांगा नहीं। अरे रोक सोडिए भाई, उसके आते ही हमें उस पर धावा नहीं बोलना है, पहले हम टैटू कंफर्म करेंगे, बाद में उसे पकड़ेंगे। हाँ। हम सब यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्या पता इतने सारे लोगों को एक साथ यहाँ देखकर उसे शक हो जाए और वो भाग जाए। नहीं मेहता साहब की बात सही है, जेठालाल और अय्यर भाई यहाँ रुकेंगे और हम सब बाहर उसका इंतजार करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, और इंतजार करते करते थोड़ी पूजा भी कर लेंगे। पूजा? पेट पूजा। अरे वाह। वेट करते करते थोड़ी पेट पूजा तो बनती है ना। ठीक है, आते भाई ठीक है। अच्छा सुनो पोपटलाल, जैसे ही तुमको आता हुआ दिखे तुरंत हमको फोन कर देना, ताकि हम यहाँ चौकड़ने हो जाए। हाँ,
हाँ जरूर चलो 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 थैंक यू दोस्त थैंक यू सर मिल गया ये देखिए ये टैटू का डिजाइन इस दुकान के सोशल मीडिया के अकाउंट पे है गुड और तो और सर ये दुकान का एड्रेस भी लिखा हुआ है इस पेज पर देखिए सर टैटू किंग एंड क्वीन पाटिल इसका एड्रेस नोट करो यस सर चलो इंटरनेट से ये तो पता चल गया कि टैटू बनाने वाला कौन है अब तक का जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया है आगे का फुटेज दिखा पता तो चले कि कौन नकली पुलिस वाले हैं जो मुझ जैसे असली पुलिस वाले को इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा पासवर्ड चलाओ इन लोगों ने भी डिलीवरी बॉय की तरह अपना चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखा है सर सेम गैंग है तो तरीका भी सेम ही होगा ना पाटिल ये दोनों पुलिस वाले मुझे लगता है मेरे जीवन में कहीं मुझसे टकराए खासकर ये इंस्पेक्टर सर हेलमेट पहना हुआ है चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा कैसे पहचानेगा कोई हाँ सही कह रहे हो पता नहीं जीवन में मुझसे ये कहाँ टकराए हैं लेकिन बिना हेलमेट और चश्मे के टकराए हैं इंस्पेक्टर पर जूम करो इसके कलाई पे जूम करो कलाई में रुद्राक्ष की माला और उंगली में अंगूठी ये तो जेठालाल के हाथ में ही हो सकते हैं बाकी बॉडी किसी और इंस्पेक्टर की हो सकती लेकिन ये हार्ट मुझे जेठालाल के लग रहे हैं पाटिल अरे दूसरा साइंटिस्ट जो है उसको आप बोलते हैं सोसाइटी में यार कौन सर अरे वो जो बबीता बहन जी के हस्बैंड है क्या नाम है उसका हाँ याद है सर अय्यर अय्यर मिस्टर अय्यर हाँ अय्यर अय्यर लेकिन सर जेठालाल और अय्यर ऐसा क्यों करेंगे इतनी हिम्मत नहीं है उनमें वही तो मैं भी सोच रहा हूँ पाटिल इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कैसे नहीं ना सर ये लोग गोकुलधाम वाले है ही नहीं अशोक को दूर करना पुलिस डिपार्टमेंट का काम है पाटिल नहीं नहीं सर मैं नहीं मानता कि ये लोग ओटीपी स्कैम करने वाले गैंग में शामिल हुए होंगे अरे मैं ये नहीं कह रहा कि स्कैम में गोकुलधाम वाले शामिल होंगे तो फिर माधवी बहन ने उन लोगों को बता दिया होगा कि मैं बंदोबस्त में बिजी हूँ इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो लोग केस सॉल्व करने निकल गए होंगे नहीं सर केस सॉल्व करने के लिए वो लोग इस हद तक नहीं जाएंगे गोकुलधाम वाले केस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं लगता है तुम गोकुलधाम के इतिहास को भूल गए हो पाटिल हर केस में हम मेहनत करते हैं और लड्डू कौन खाता है गोकुलधाम वाले तो फिर ठीक है सर मैं एक काम करता हूँ जेठालाल को अभी के अभी फोन करके मैं यहाँ बुला लेता हूँ तुम जेठालाल को नहीं बुलाओगे तो ठीक है सर आप बुला लीजिए अरे मैं भी नहीं बुलाऊंगा तो फिर हम जेठालाल की दुकान पर जाएंगे क्या जेठालाल अभी दुकान पे होगा अरे वो धंधे वाला आदमी है जेठालाल घर में लेटेगा नहीं रोकड़ी करने के लिए दुकान पर होगा अगर अपनी दुकान पर जेठालाल नहीं मिला तो समझ जाओ कि वो नकली पुलिस वाला वही है और जरूर उनके साथ गोकुलधाम की पुरुष मंडली भी शामिल होगी चलो जेठालाल की दुकान में और सर टैटू वाले के पास
वहां भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले जेठालाल की दुकान में जाएंगे, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Come on, let's move. थोड़ा सा तीखा चटनी डालिए ना। मैं पूरी डाल दी। मैं दाल डालो। अरे मेहता साहब, हाथी भाई गोली, इधर आइए ना आप लोग, इधर आइए। देखिए टाइम हो गया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। हम लोग अलग अलग जगह फैल जाते हैं और उस पर नजर रखते हैं। टप्पू, सोनू, गोगी और पिंकू, आप लोग इस तरफ जाओ, मैं और सोडी इस तरफ जाते हैं और आप लोग हम लोग यहीं से नजर रखे। ठीक है, यहीं से नजर रखो। चल आजा सोडी। देवा मदद करा, अब बस वो डिलीवरी बॉय पकड़ा जाए और हमें हमारे पैसे मिल जाए। प्लीज। चलो हो गई आज की डिलीवरी, अब उस किंग एंड क्वीन टैटू की दुकान पे जाके मस्त टैटू बनवाता हूँ मेरी प्यारी मधु, और फिर जाके माधु को सरप्राइज दूंगा। ये उसके लिए बेस्ट सरप्राइज होगी, ये सरप्राइज वो जिंदगी भर याद रखेगी। यस। पाटिल, मैं अभी माधवी बहन की आंखों में आंसू भूल नहीं पा रहा, सोचता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं किसी भी तरह उस स्कैमर को पकड़ना होगा, बस एक बार वो नकली पुलिस वाले जेठालाल या साइंटिस्ट हैं इसका पता चल जाए। जरा जल्दी करना भाई। अच्छा किंग भाई, हाँ? मैं क्या पूछता हूँ, ये तुम जो टैटू बनाते हो, मान लो बनाते बनाते तुमसे कोई गलती हो गई, तो उसको भूसने का कुछ रबड़ रबड़ आता है कि कैसे, मतलब कैसे भूसते हो? वो सब छोड़ो मैन, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है इधर। टेंशन? किस बात का टेंशन? ऑलमोस्ट 1 आवर होने को आया है मैन, वो बंद क्रू का आता ही होगा। तो उसमें टेंशन किस बात का, हम लोग हैं ना। अरे उसी का तो टेंशन है मैन। आई मीन आप लोग फेक पुलिस है, रियल पुलिस होती तो टेंशन नहीं होता। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो हमको बचाने के लिए और लोग मांगते हैं ना मैन। अरे किंग भाई, अभी जो यहाँ से सब बाहर गए ना, वो हमेशा के लिए बाहर रुकने वाले नहीं है। जैसे वो डिलीवरी बॉय आएगा ना, वो उसके पीछे पीछे सब अंदर आ जाएंगे उसको पकड़ने। yes. Let's hope so. जब आधी अपने नाम का टैटू देखेगी तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। यार आज इतना टाइम क्यों लग रहा है जेठालाल की दुकान पहुंचने में? सर वही ट्रैफिक की समस्या। सर एक सजेशन दूं? हाँ तो ऑटो से चलते ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास ही होता है, दूसरे तो केवल बस सजेशन देते हैं। अंबावाड़ी से लेफ्ट लो, जल्दी पहुंचेंगे। ओके सर। स्कैमर अभी तक आया क्यों नहीं? यार अगर ये स्कैमर नहीं आया तो? नहीं नहीं पिंकू, ऐसा नेगेटिव मत बोल, वो जरूर आएगा। हाँ वो टैटू किंग ने जो 1 लाख रुपए का उसको लालच दिया है ना, उसके चक्कर में तो वो जरूर आएगा। हाँ। अरे दोस्त, मैं क्या पूछ रहा हूँ, इधर हम दोनों के लिए छुपने की कोई जगह होगी? तुम दोनों भी छुप जाएगा तो हम तो इधर अकेला हो जाएगा मैन। हमको तो छुपना ही पड़ेगा ना भाई।
क्योंकि क्या है, वो डिलीवरी बॉय आएगा और देखेगा कि यहाँ तो पुलिस है तो दरवाजे से वापस भाग जाएगा ना, इसलिए हमको छुपना पड़ेगा इस दरवाजे के पीछे। वो दरवाजा है लेकिन तुम बाहर कभी आएगा? एक बार तुम उसके गर्दन का टैटू कन्फर्म करेगा, हम लोग बाहर आ जाएगा। ये कंफर्म कैसे करेगा? मेरे को क्या मालूम। एक काम करना भाई, जैसे तुमको यकीन हो जाए ना कि ये हमारा ही बंदा है, तुम उसके साथ छपली खींचना और छपली खींचने के बाद जोर से बोलना, हो गई छपली। छपली सेल्फी सेल्फी। हाँ तो वो सुनते हम लोग तुरंत बाहर आ जाए। हाँ। है ना? ए फ्रेंड्स, वो देखो सूरी, वो देख पीला हेलमेट, लगता है ये वही डिलीवरी बॉय है। देखते हैं वो टैटू वाले की दुकान पर जाकर रुकता है कि नहीं। उसने तो भाई यही रोक दी, लगता है वही है ये, अभी जाकर इसे पकड़ता हूँ। अरे एक मिनट सोड़ी, एक मिनट भाई, पहले कंफर्म तो होने दे, मैं जेठालाल को जरा फोन करके बता देता हूँ। एक मिनट रुक, मैजा साहब ये तो भाई डिलीवरी बॉय है। अरे हाँ हाँ पोपटलाल बोलो। हेलो जेठालाल, एक आदमी आया है, ब्लू कलर की टी शर्ट और येलो कलर की हेलमेट पहनी है, लगता है वही डिलीवरी बॉय है, टैटू देख के कंफर्म कर लेना। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ रहे वो आ रहे हैं, चलो ऑल बेस्ट है, डरना नहीं, हम लोग हैं, डरना नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि मैं हमारी किस्मत पे हंसूं या रोऊं। पहले हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया और हमारे बुने हुए जाल में वो डिलीवरी बॉय उस टैटू वाले की दुकान पर पहुंच गया, लेकिन दूसरी तरफ किस्मत ने हमारे साथ बेवफाई की और पांडे जी को पता चल गया कि अय्यर और जेठालाल नकली पुलिस वाले बन के घूम रहे हैं। ऊपर से भिड़े, वो टैटू शॉप पे आने वाला है, अगर उसके पहुंचने पर कोई गड़बड़ हुई और वो डिलीवरी बॉय वहां से भाग गया तो मिशन फेल, माधवी भाभी के पैसे गए। ऊपर से पांडे जी, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या लगता है आपको, क्या हम उस डिलीवरी बॉय को पकड़ पाएंगे? और अगर हमने उसे पकड़ लिया तो क्या माधवी भाभी के पैसे वसूल कर पाएंगे? क्या जेठालाल और अय्यर पांडे जी की नजरों से बच पाएंगे? और क्या भिड़े के वहां पहुंचने पर कोई नया हंगामा होगा? दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। और एक जरूरी बात आपको बताना तो भूल ही गया, 29 फरवरी को हमारे प्यारे पत्रकार पोपटलाल जी का बर्थडे है। या इतने सारे टेंशन के बीच में हम उनका बर्थडे कैसे मनाएं? वैसे भी बेचारे का बर्थडे 4 साल में एक बार आता है। चलिए आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.